जो डीजल लोकोमोटिव इंजन होते हैं उसकी जो इंजन की पावर होती है वो डायरेक्ट पहियों में ट्रांसफर नहीं करते। अगर हम एक कार का केस लेते हैं, उसकी जो इंजन की पावर होती है वो डायरेक्ट गियर के थ्रू पहियों में ट्रांसफर कर दी जाती है। लोकोमोटिव इंजन के समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक जनरेटर का। जनरेटर में क्या होता है, इसमें डीजल बर्न होता है तो इसकी जो पावर होती है सीधा जाती है जनरेटर में ट्रांसफर होती है, तो उससे क्या होता है बिजली बनती है, उस बिजली का फिर यूज़ करा जाता है। सेम कंसेप्ट हमारा लोकोमोटिव इंजन में लगता है। इसमें क्या होता है कि जो इंजन की पावर होती है उससे क्या होता है जनरेटर घुमाया जाता है, जनरेटर से घूमने के बाद जो बिजली बनती है वो जाती है डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम में। अब कंट्रोल सिस्टम में होता है ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर। कंट्रोल सिस्टम से थ्री फेज बिजली निकलने के बाद फिर जाती है ट्रैक्शन मोटर में। अब ट्रैक्शन मोटर क्या करती है, ये इंजन के व्हील को घुमा दे जिससे ट्रेन चलने लग जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।